मज़ा आया और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तो हेलो फ्रेंड्स, फिर से आ चुका हूँ वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम कुछ इसी प्रकार का एटीट्यूड वीडियो क्रिएट करना है जो कि इंस्टाग्राम में बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, ठीक है। तो आप भी इसी तरह का नया स्टेटस वीडियो क्रिएट करना चाहते हो तो वीडियो को फुल वॉच कीजिए और इसी तरह का नया स्टेटस वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ता हूँ। ओके, तो इस वीडियो को क्रिएट करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है इलाइटमोशन, ठीक है। तो इलाइटमोशन एप्लीकेशन का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है, या तो टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पर जाके आप लोग वहां से जाके ज्वाइन होके इंस्टॉल कर लेना, इंपोर्ट कर लेना, ठीक है। एक्सएमएल फाइल भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग टेलीग्राम का चैनल हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या तो टेलीग्राम पर जाके सर्च कर लेंगे टेक्निकल सोयल लिख के तो मेरा चैनल आ जाएगा, ठीक है। तो वहां पे जाके आप लोग ज्वाइन होके मतलब एक्सएमएल फाइल और जो सॉन्ग वगैरह है वो सब आप मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाके डाउनलोड कर लेना, ठीक है, डाउनलोड कर लेना। तो उसके बाद आपको इलाइटमोशन एप्लीकेशन में ओपन करना है, ठीक है। ओपन करने के बाद आपको प्रोजेक्ट में जाना है, यहाँ पे प्रोजेक्ट में जाना है, ठीक है। प्रोजेक्ट में जाने के बाद यहाँ पे दो फाइल मतलब दो प्रोजेक्ट ये होगा, शो होगा, एक सॉन्ग बिटमार्क टेक्निकल सोयल नंबर 1, सॉन्ग बिटमार्क टेक्निकल सोयल नंबर 2, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सॉन्ग बिटमार्क को ओपन करना है, ठीक है। सॉन्ग बिटमार्क को ओपन करने के बाद मतलब आप जो फोटो मतलब वीडियो एडिट करना चाहते हो, ठीक है, उस फोटो को रिसाइज करना, 9:16 में रिसाइज करना, ठीक है। यहाँ पे जाके प्लस क्लाइपर में 9:16 को सेट कर क्रिएटर प्रोजेक्ट में जाना है, प्लस क्लाइपर मीडिया पे जाके यहाँ पे जो फाइल में आप लोग वीडियो मतलब फोटो रखो उस फाइल को सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे वाला फोटो, इस वाला फोटो मैं रिसाइज करके रखा हूँ इसलिए मैं रिसाइज सबसे पहले देख रहा है, या छोटा बड़ा रहेगा तो आप लोग या इस तरीके से मतलब फोटो को रिसाइज करना, ठीक है। रिसाइज करने के बाद आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट बटन में, एक्सपोर्ट बटन जाना, करंट फ्रेम एज पीएनजी पे सेट करके एक्सपोर्ट कर लेना, ठीक है। एक्सपोर्ट करने के बाद सेव ऑप्शन आएगा, आप लोग सेव कर लेना। मैं सेव नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं सब पहले से ही करके रखा हूँ, ठीक है। तो आप लोग कर लेना। तो करने के बाद आपको इस फोटो को मतलब पीएनजी करना है, पीएनजी निकल कर रखना है। तो पीएनजी ऐड करना आप लोग के मतलब गूगल पे भी स्लेजर एप्लीकेशन के वहाँ पे स्लेजर पे सर्च करना, स्लेजर पे सर्च करके वहाँ से भी आप लोग अपलोड पिक करके डाउनलोड कर सकते हो, या तो पिक्सार्ट गोल्ड में दे दूंगा, मेरा टेलीग्राम चैनल पर मैं पिक्सार्ट गोल्ड दे दूंगा, ठीक है। इस तरीके से पिक्सार्ट एप्लीकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो पिक्सार्ट एप्लीकेशन को इस तरीके से ओपन करना है। ओपन करने के बाद एक प्लस के में जाना है, यहाँ पे एडिट फोटो में जाना है, जो फोटो में बैकग्राउंड चेंज ये वाला फोटो, ठीक है, मतलब बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हो तो यहाँ पे मतलब पांचों ऑप्शन में बैकग्राउंड रिमूव लिख के आएगा, इसको इस तरीके से टैप करना है, ठीक है। तो मेरा इंटरनेट ऑफ है तो मेरा इंटरनेट ऑन करना पड़ेगा, तो आप लोग इंटरनेट ऑन करके करना तो मतलब रिमूव हो जाएगा। रिमूव ऑप्शन हो जाने के बाद यहाँ पे सेव ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे टैप करके आप लोग वीडियो को मतलब फोटो को सेव कर ले, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोग सब कुछ सेव कर लेना। सेव करने के बाद आपको सबसे पहले सॉन्ग बिटमार्क ओपन करना, ठीक है। सॉन्ग बिटमार्क को ओपन करने के बाद यहाँ पे मतलब जो फोटो में आप लोग वीडियो एडिट करना चाहते हैं इमेज लिख के आएगा, यहाँ पे सबसे पहले आपको उसी फोटो को 9:16 में जो फोटो आप लोग रिसाइज किया था उस फोटो को इस तरीके से ऐड करना है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए हम ये वाला फोटो को इस तरीके से ऐड कर लेते, ठीक है, ऐड कर लिया। तो बैकग्राउंड पे फोटो ऐड हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको ग्रुप पे टैप करना है, ठीक है, एडिट ग्रुप में जाना है। एडिट ग्रुप में जाने के बाद आपको यहाँ पे देखिए इमेज लिख के आएगा, ठीक है, फ्लैश फ्लैश लिख के दो आ रहा है, मतलब उसके नीचे इमेज लिख के इमेज को टैप करना है, ठीक है। कलर फील्ड में जाना है, कलर फील्ड में जाके जो फोटो अभी शेयर ऐड किया था उसी फोटो को आपको सेम पर्स में फिर से ऐड करना है इस तरीके से, ठीक है। तो ऐड करने के बाद देखिए फोटो मतलब ऐड हो गया, ठीक है। ऐड होने के बाद जो मतलब यहाँ पे देखिए मतलब जो फ्लैश लाइट है वो मतलब आँख के ऊपर रहता है, ठीक है। अब लोग यहाँ पे सेट करना है, तो सेट करने के फ्लैश को इस तरीके से लेना है, ठीक है। यहाँ पे जाके इस तरीके से फ्लैश को इस तरीके से यहाँ पे मतलब जो आँख है आँख के ऊपर इस तरीके से मतलब आपको सेट करना है, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पे सेट होने के बाद आप देख लीजिए यहाँ पे मतलब ब्लिंक होगा, ठीक है, देखिए ब्लिंक होगा, ठीक है। फिर से आपको दूसरे वाला फोटो को मतलब फ्लैश को इस तरीके से सेट कर ये टैप करना है यहाँ पे जाके, ठीक है, जहाँ पे आप लोग आँख है वहाँ पे इस तरीके से सेट कर लेना यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से ऐड करना। तो ऐड करने के बाद आपको यहाँ का काम कंप्लीट हो गया, ग्रुप का काम, ठीक है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे देखो ब्लिंक हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। वहाँ के उसके बाद आपको फिर से मतलब यहाँ पे दूसरे वाला ग्रुप मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे आपको फिर से दूसरे वाला ग्रुप मिलेगा। यहाँ पे आपको इस तरीके से इमेज लिख के आएगा, यहाँ पे भी आपको टैप करना है, ठीक है। टैप करने के बाद यहाँ पे कलर फील्ड में जाना है, कलर फील्ड में जाने के बाद यहाँ पे टैप करके जो फोटो का आपने रिसाइज किया था ये वाला फोटो को इस तरीके से चूज करना है, ठीक है। इसी तरीके सेम प्रोसेस में आपको इस तरीके से ऐड कर लेना है, ठीक है, जो फोटो आप लोग रिसाइज किया हुआ फोटो है, ठीक है, उसी फोटो को चूज करना है, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे मतलब
वो यहाँ पे देखे इमेज पीएनजी इमेज लिख के आएगा, ठीक है। पीएनजी इमेज को सभी पीएनजी इमेज पे आपको सेम फोटो को ऐड करना है, जिस फोटो आप लोग रिसाइज किया था, ठीक है। मतलब पीएनजी जो पीएनजी पिक्सआर्ट से निकला था वो वाला पीएनजी किस तरीके से ऐड करना है। एग्जाम्पल यहाँ पे जाना कलर फिल में जाना है, यहाँ पे जाके जो वाला पीएनजी, तो ये वाला पीएनजी है, मतलब ये वाला, सॉरी मेरा पीएनजी वेट में पीएनजी लेता उको, तो मेरा पीएनजी कुछ वार फाइल में था, वहाँ से हम लोग बाहर निकल के लिया है, ठीक है। आप लोग तो पीएनजी मतलब जहाँ पर रहोगे वहाँ से आप लोग ले लेना, ठीक है। उसके बाद आप पीएनजी यहाँ पे पीएनजी, ठीक है, आप लोग को फिर से बोल दे रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मतलब लैग करेगा थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मतलब आपको यहाँ पे जाना है, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए इमेज, सॉरी यहाँ पे देखिए मतलब इमेज लिख के आएगा, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे इमेज पीएनजी इमेज, ठीक है, पीएनजी इमेज को इस तरीके से टैप करना है, ठीक है। इस तरीके से पीएनजी इमेज को टैप करना है, कलर फिल में जाना है, कलर फिल में जाने के बाद यहाँ पे टैप करके आपको पीएनजी से पीएनजी को इस तरीके से सेट करना है, ठीक है। तो पीएनजी को सेट करने के बाद आपको इस तरीके से बैक जाना है, थोड़ा सा लैग करेगा, ठीक है। मतलब फिर से आपको पीएनजी इमेज लिख कर पीएनजी इमेज को फिर से टैप करना है, ठीक है। यहाँ पे टैप करके सेम पीएनजी को फिर से आपको ऐड करना है, यहाँ पे मतलब तीनों ग्रुप में, यहाँ पे तीनों ग्रुप में आपको पीएनजी को ऐड करना है, ठीक है। फिर से आपको बैक जाना है, यहाँ पे पीएनजी इमेज लिख आएगा, यहाँ पे तीनों लेयर को आपको इस तरीके से पीएनजी इमेज को ऐड करना है। जो पीएनजी आप लोग मतलब बैकग्राउंड ट्रिम मतलब उसको पीएनजी बोलते हैं, ठीक है, उस पीएनजी को आपको इस तरीके से ऐड करना है। ऐड करने के बाद यहाँ पे ग्रुप वन, ग्रुप टू, ग्रुप थ्री लिख आएगा, ठीक है। तो ग्रुप वन, ग्रुप टू, ग्रुप थ्री को इस तरीके से टैप करना है। ग्रुप वन को सबसे पहले टैप करना है, कलर फिल में जाना, सॉरी एडिट ग्रुप में जाना है। एडिट ग्रुप में जाने के बाद यहाँ पे इमेज लिख के आएगा, ठीक है। यहाँ पे इमेज को इस तरह से कलर फिल में जाके जो फोटो आप लोग मतलब यहाँ पे ये वाला पीएनजी को ऐड कर सकते हो, या तो फोटो को भी ऐड कर सकते हो, जो आपका मर्जी, ठीक है। पीएनजी को ऐड कर लेना, ठीक है, जो आपका मर्जी यहाँ पे, या तो इमेज को ऐड कर लेना, ठीक है। इस तरीके से इमेज को ऐड कर लेना, या ऐड करने के बाद इस तरीके से मतलब जो इमेज का जो ये है, ठीक है, इस तरीके से सेट कर लेना, ठीक है। अगर फोटो को एकदम अच्छा से मतलब जो फेस है, फेस को इस तरीके से सेट कर लेना, ठीक है। फेस को सेट करने के बाद आपको बैक जाना है, बैक जाने के बाद आपको फिर से यहाँ पे दूसरा ग्रुप मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे सॉरी यहाँ पे फिर से यहाँ पे दूसरा ग्रुप मिलेगा, ये दूसरा वाला ग्रुप में भी इस तरीके से टैप करना है, ठीक है। एडिट ग्रुप में जाना है, एडिट ग्रुप में जाने पर यहाँ पे भी इमेज लिख कर यहाँ पे भी आप लोग इमेज को ऐड करना है, ठीक है। जो भी आप लोग इमेज पे वीडियो बना रहे उस इमेज को ऐड करो, या तो पीएनजी को ऐड कर सकते हो, जो आपका मर्जी, ठीक है। पीएनजी को या तो इमेज को, जो आपका मर्जी आप लोग ऐड कर सकते हो। ऐड करने के बाद इस कुछ इस तरीके से उल्टा पल्टा होकर रहेगा, तो फोटो का जो मतलब फेस है, फेस को इस तरीके से आपको सिलेक्ट करना है, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से फेस को इस तरीके से सिलेक्ट करना है, इस तरीके से फेस को सिलेक्ट करना, मतलब फेस को एकदम मिडिल पे पॉइंट में ले लेना है, ठीक है। तो पॉइंट पे लेने के बाद फिर से बैक जाना है, बैक जाने के बाद तीसरे वाला जो ग्रुप है, तीसरे वाला ग्रुप को इस तरीके से टैप करना है, एडिट ग्रुप में जाना है, ठीक है। एडिट ग्रुप में जाने के बाद यहाँ पे फेस मतलब फोटो इमेज लेकर यहाँ पे भी सेम पोजिशन में जो आप लोग इमेज पे वीडियो एडिट करना चाहते हो उस इमेज को इस तरीके से सेट करना है। सेट करने के बाद यहाँ पे इस मूव एंड ट्रांसफर में जाना है, इस तरीके से फेस को मतलब पॉइंट में, इस तरीके से पॉइंट में ले लेना है, ठीक है। तो लेने के बाद आप मतलब उसके बाद आपको इस तरीके से बैक जाना है, ठीक है। बैक जाने के बाद देखो यहाँ पे मतलब फोटो का फेस जो है ना, ये नीचे रहेगा, ठीक है, उसको ऊपर करना, इस तरीके से टैप करना है। इसके लिए इस ग्रुप को टैप करना, ग्रुप वन को टैप करना, ठीक है। ग्रुप वन को टैप करने के बाद इसको इस तरीके से ऊपर खींच लेना, ठीक है। इस तरीके से आपको फोटो को इस तरीके से ऊपर खींच लेना है। खींचने के बाद फेस के मुताबिक रख लेना, ठीक है। आप लोग या फिर दूसरे वाला ग्रुप को भी सेम पर्सन को इस तरीके से टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पे टैप करके इस तरीके से मतलब यहाँ पे मूव एंड ट्रांसफर में नहीं जाना है, ठीक है। आप लोग को यहाँ पे मैं स्क्रीन के ऊपर टैप करके आप लोग स्क्रीन के ऊपर इस तरीके से टैप करके आप लोग सेट कर लेना, ठीक है। मूव एंड ट्रांसफर में जाओगे तो नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आपको फिर से ग्रुप थ्री मिलेगा, उसको भी इस तरीके से टैप करना है, ठीक है। इस तरीके से फोटो का इस तरीके से मतलब आपको इस तरीके से ले लेना, ठीक है। जो पॉइंट है इस तरीके से पॉइंट पे सेट कर लें, ठीक है। तो सेट करने के बाद देखो मतलब फोटो ठीक हो गया, ये देखो, ठीक है। इस तरीके से आपको सेम प्रोसेस में मतलब कर लेना है मतलब सब कुछ। उसके बाद मतलब देखो जो फ्लैश लाइट जल रही है, ठीक है, फ्लैश लाइट मतलब आँख के ऊपर नहीं, ठीक है। इसलिए आपको इस तरीके से टैप फ्लैश से टैप करना है, मूव एंड ट्रांसफर में जाना है। मूव एंड ट्रांसफर में आके टैप करके मतलब आप आँख के ऊपर इस तरीके से मतलब थोड़ा सा लैग करेगा, ठीक है। अच्छा से रख देना इस तरीके से, ठीक है। रखने के बाद फिर से दूसरे वाला फ्लैश को भी आपको इस तरीके से टैप करना है सेम प्रोसेस में, ठीक है। सॉरी
दूसरे वाला प्रेस को इस तरीके से टैप करना, टैप करने के मूवमेंट ड्रेस में जाना इस तरीके से, यहाँ पे जाके इस तरीके से जो आँख के ऊपर है ठीक है, इसके ऊपर इस तरीके से, आई के ऊपर इस तरीके से रख लेना ठीक है। तो रखने के बाद आपको यहाँ पे फ्लैश की भाई काम कंप्लीट हो गया ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे मतलब फ्लैश लिख के फिर से दो आएगा ठीक है, मतलब जो इफेक्ट है, मतलब ये देखो मतलब लाइटिंग का जो इफेक्ट आ रहा है ठीक है, इसको भी आपको जो आँख है मतलब फोटो का जो आँख है उसके ऊपर रखना है ठीक है। इसके लिए आपको यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाना है ठीक है, यहाँ पे जाके मतलब पहले सबसे पहले आना है ठीक है। पहले आने के बाद यहाँ पे ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे दौड़ यहाँ पे आना है, यहाँ पे आने के बाद इस तरीके से फ्लैश को टैप करना है ठीक है। टैप करने के बाद यहाँ पे टैप करके जो इस तरीके से आपको फेस के ऊपर लेना है ठीक है, सॉरी यहाँ पे जाके इस तरीके से आपको सॉरी यहाँ पे ग्रुप टैप हो गया था ठीक है, सॉरी यहाँ पे ग्रुप टैप हो गया था ठीक है, यहाँ पे आपको नहीं जाना है ठीक है, यहाँ पे जाना है सॉरी थोड़ा सा सॉरी, यहाँ पे फ्लैश पे टैप करें। फ्लैश के टैप करने के बाद आपको यहाँ पे मूवमेंट ट्रांसफर में जाना है। मूवमेंट ट्रांसफर में जाने के बाद यहाँ पे जाके इस तरीके से आँख के जो ऊपर है इस तरीके से आप लोग रख लेना है ठीक है। यहाँ पे आके आप लोग देख लेना जहाँ पे मतलब आपका आँख रहेगा ठीक है, यहाँ पे रहेगा ठीक है, यहाँ पे रहेगा तो उसका ऊपर इस तरीके से कर लेना ठीक है, ऐड कर लेना। तो ऐड करने के बाद आपको फिर से दूसरे वाला मतलब फ्लैश पे टैप करना है इस तरीके से ठीक है, सेम पॉस में दूसरे वाला फ्लैश पे टैप करना है। यहाँ पे मूवमेंट ट्रांसफर में जाना है, मूवमेंट ट्रांसफर में जाने के बाद यहाँ पे जाके आँख जो ऊपर है ये आँख के ऊपर इस तरीके से रखेंगे, यहाँ पे आँख रहेगा ठीक है, यहाँ के ऊपर यहाँ पे इस तरीके से ऐड करना ठीक है। तो ऐड करने के बाद मतलब वीडियो फुल रेडी हो गया ठीक है। आप लोग चाहो तो एक बार प्ले करके देख सकते हो ठीक है, इस देखो बहुत तो वॉसम लग रहा है ठीक है, आप लोग प्ले करके देख सकते हो। और नहीं चाहो तो यहाँ पे एक्सपोर्ट बटन लिए, एक्सपोर्ट पे टैप करना है ठीक है। एक्सपोर्ट बटन पे टैप करने के बाद यहाँ पे वीडियो को सिलेक्ट कर लें, वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे 720p सिलेक्ट करना, फुल को सिलेक्ट करके इस तरीके से मतलब 15 MB करके आपको एक्सपोर्ट करना है ठीक है। तो वेट में एक्सपोर्ट कर लेता हूँ ओके। तो वीडियो एक्सपोर्ट होने के बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट के बाद सेव कर लेना, यहाँ पे सेव ऑप्शन मिल जाएगा, सेव ऑप्शन में टैप करके वीडियो को सेव करना ठीक है। सेव करने के बाद आपको बैक जाना है, बैक जाने के बाद मतलब सॉन्ग बीट मार्क ये मतलब टेक्निकल स्विच जो 2 ही लेगा, इसको 2 को इस तरीके से ओपन करना है ठीक है। 2 को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको जो वीडियो आप ये भी सेव किया उस वीडियो को इस तरीके से इस वीडियो को इस तरीके से ऐड करें ठीक है। ऐड करने के बाद मतलब बीट मार्क के यहाँ पे वीडियो के फर्स्ट में आना है ठीक है, फर्स्ट में आके यहाँ पे बीट में इस एरो पे टैप करना है, इस एरो पे यहाँ पे इस एरो टैप करके वीडियो को मजाक में आता है बीट मार्क पे आ जाएगा। उसके बाद इस तरीके से कट करना ठीक है, कट करने के बाद फिर से आपको इस तरीके से जाना है बीट मार्क के सभी बीट मार्क पे जाके इस तरीके से एक एक करके कट कर लेना ठीक है। इसी तरीके से सेम प्रोसेस में एक एक मतलब एरो पे टैप करना है ओके। तो बीट मार्क के मुताबिक आपको सभी इसी तरीके से सभी मतलब वीडियो को इस तरीके से सभी यहाँ पे जाके इस तरीके से सभी को करना है ठीक है, बीट मार्क के मुताबिक ठीक है। उसके बाद आपको वीडियो का सबसे पहले आना है, सबसे पहले आने के बाद मतलब यहाँ पे एक मतलब लेयर है ठीक है, वीडियो का लेयर, इस लेयर को इस तरीके से टैप करना देख लेना यहाँ पे लेयर है। तो उसके बाद नीचे देखो यहाँ पे एक लेयर मिलेगा ठीक है, इसको इस तरीके से जाना है ठीक है। यहाँ पे प्लस की लेयर मिलेगा, प्लस की लेयर पे जाना है, यहाँ पे कॉपी लेयर करना ठीक है। कॉपी लेयर करने के बाद बैक जाना है, बैक जाने के बाद ऊपर में आपको वीडियो को एकदम ऊपर में आना है ठीक है। ऊपर में आने के बाद यहाँ पे देखो यहाँ पे जो भी लेयर इस लेयर पे इस तरीके से टैप करना है ठीक है। यहाँ पे प्लस की लेयर पे जाना है, प्रेस लेयर पे इस तरीके से एरो पे टैप करना है ठीक है। कलर को ऑफ करके इस तरीके से पेस्ट कर देना है ठीक है। तो पेस्ट करने के बाद फिर से आपको यहाँ पे दूसरे वाला यहाँ पे जाना है ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे लेयर है, इस लेयर को इस तरीके से मतलब यहाँ पे मतलब लेयर पे मतलब फिर इसके बाद आपको इसके बाद नीचे आना है ठीक है। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखो यहाँ पे टैप करना है ठीक है। यहाँ पे प्लस की लेयर पे टैप करना है, कॉपी लेयर करना है ठीक है। कॉपी लेयर करने के बाद फिर से बैक जाना है, ऊपर जाना है ठीक है। ऊपर जाने के बाद यहाँ पे लेयर इस लेयर पे टैप करना है ठीक है। प्लस की लेयर पे जाकर प्रेस लेयर पे इसके एरो पे इस एरो पे टैप करना है, कलर को ऑफ करके इस तरीके से पेस्ट करना है ठीक है। पहले इसी तरीके से सेम प्रोसेस में आपको फिर से आपको इस तरीके से आप इसको इस तरीके से कॉपी सॉरी इस तरीके से यहाँ पे टैप करके आपको इस तरीके से कॉपी लेयर करना है। कॉपी लेयर करने के बाद ऊपर जाना है, उसके ऊपर में जहाँ पे मतलब यहाँ पे लेयर मिलेगा यहाँ पे टैप करके यहाँ पे जाकर प्रेस यहाँ पे एरो मिलेगा, कलर को ऑफ करके इस तरीके से पेस्ट करना है ठीक है। तो इसी तरीके से सेम प्रोसेस में आपको तो आप लोग ऐड कर लेना। तो वेट में हम लोग ऐड कर लेते हैं ठीक है।
ओके, तो सभी वीडियो को लेयर में हम लोग इफेक्ट को पेस्ट कर लिया, ठीक है। तो आप लोग भी इसी तरीके से मतलब सेम प्रोसेस में आप लोग इफेक्ट को पेस्ट करना है, ठीक है। तो पेस्ट करने के बाद आपको ये जो नीचे वाला लेयर है, इसके नीचे वाला ये जो सीसी लिख का आएगा, सीसी लिख के नीचे वाला जो लेयर है, सभी लेयर को ऑफ करना है। इसके लिए आपको इस तरीके से सिलेक्ट करना है सेम प्रोसेस में इस तरीके से, ठीक है। इसी तरीके से सभी को इस तरीके से सिलेक्ट करना है, ठीक है। एक एक करके सभी को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। एक एक करके आप लोग सिलेक्ट कर लेना इस तरीके से। तो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डिलीट ऑप्शन में वाला, डिलीट ऑप्शन में टैप करके सभी लेयर को डिलीट कर देना, ठीक है। डिलीट करने के बाद यहाँ पे सीसी लिख के जो आएगा, इस दोनों लेयर को इस तरीके से ऊपर कर लेना, ठीक है। इस तरीके से ऊपर कर लेना, ठीक है। फिर से आपको इसको टैप करना है, ए वाला सीसी को, फिर से आपको ए वाला सीसी को इस तरीके से ऊपर, ठीक है। तो सीसी ऐड हो गया, इफेक्ट ऐड गया, ठीक है। तो इफेक्ट ऐड होने के बाद आप लोग वीडियो फुल रेडी हो गया। आप लोग चाहो तो एक बार प्ले करके देख सकते हो, और नहीं चाहो तो एक एक्सपोर्ट बटन में इस बटन वीडियो को सिलेक्ट करके आपको वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे फिर से एक नया वीडियो में। तो उसके लिए टेक केयर, बाय बाय। तो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को फुल वॉच करने के लिए।